इस साइड थोड़ा क्राउड भी ज़्यादा है, देखते हैं यहाँ क्या है, फूड है या क्या है, यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। इस साइड भी फूड है, जी। चलो देखते हैं क्या है। अच्छा, ये फ्राइड वेफर्स आ गया चीनी के अंदर फ्राइड। ये लेंगे एक चीज आके, ये स्मूथी, एक ये आइटम है जी, ये पैनकेक स्टाइल है, ये इसमें डाल के इसको ऐसे ग्रिल करने के छोड़ देते हैं, बस सिंपली है वो। बैटर है इनके पास, बैटर मैदे में ही हुई है, राइस का बना हुआ। ये बेसिकली नीचे अंगीठी लगी है जिसके अंदर थोड़े से कोयले लगे हैं, उसमें बन गया। ये आ गया जी पापड़, ये लेंगे जी एक बार खाने के लिए। I should need you now, baby. I need you बैग। बड़े प्यारे हैं जी, खादी के कपड़े के बने, 100 बात के हैं, बड़े खूबसूरत हैं। क्रॉकरी ये है, यहाँ से फिर है फूड की मार्केट शुरू हो गई है। फूड के ऊपर ही मोस्टली सबका रश है, आप देखोगे ना जितने भी स्टॉल हैं सबके फूड के ऊपर ही बहुत अच्छा खासा रश है, क्योंकि यहाँ पे कल्चरल फूड, ट्रेडिशनल फूड बहुत ज़्यादा मिल रहा है, चाइनीज़ भी, कोरियन भी, इंडियन को छोड़ के बाकी सब कुछ मिल रहा है, और वेजिटेरियन के लिए बहुत सी ऑप्शन है अच्छी। लो स्टिकी पैनकेक, ये वैतनी वियतनाम का आ गया जी पॉक। मैंगो सैलेड, चिकन आ गया जी ग्रिल, 40 बात। नया अलग ढूंढते जो खाया जाए, तो खा लिया फिश बॉल, चिकन बॉल, ये
चाइनीज नट्स, चाइनीज नट है जी, बड़े चाइना में खाए जाते हैं, बड़ा क्रिस्पी सा इसका टेस्ट आता है। यहाँ पे इसलिए रश लगा जी, लाइन लगी है। ये 15 baht की 2 sticks देते हैं, ये चिकन है आई थिंक। इज दैट चिकन? बीफ, ये बीफ है जी। वैसे तो अपना अपना हर आदमी का नज़रिया देखने का, जो पर्सन चिकन बीफ या पोक नहीं खाता तो यहाँ पे डेफिनेटली वो पूछ के कुछ भी ले, क्योंकि यहाँ पे बीफ पोक नॉर्मल बात है। आप लोगों को बाद में रिलीजियस या मॉरली तौर पे परेशानी आए, एक बार आप ये चीज़ को पूछ के करना। ये एक नींबू पानी है जी, इमली और नींबू का मिक्स करके दिया हुआ है 20 baht का। मैं कहा चलो ट्राई करते हैं, डिसीजन थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाएगा जो खाया हुआ, क्योंकि एक दो आइटम और ट्राई करना चाहता हूँ कि लोकल फूड के अंदर। एक कोरियन फूड बन रहा है, मैंने बहुत बार देखा है बनते हुए, उसको जो ट्राई करूँगा। आइस लेस, आइस नॉर्मल या हाफ मोर लेस दैट्स इट। यहाँ इस कंट्री में आइस ऐसे यूज़ करते हैं जैसे साला ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो। आपको शायद पहले भी बताया था, ये अकेली ही कंट्री है जहाँ पे आइस एक्सपोर्ट होती है, जापान से, चाइना से और 2-3 देशों से। ये थाईलैंड के अंदर आइस एक्सपोर्ट होती है, ये पहली कंट्री है जो आइस एक्सपोर्ट करती है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा नींबू पानी है जी, 50 rupees का, बहुत जेन्युइन है और मज़ेदार है। मैंने आइस थोड़ी कम डलवाई है, इस वजह से मेरे टेस्ट के मुताबिक बन गया। Thank you.
ये सारी ऑल वेजिटेबल्स है जी, नो मीट, नो पोर्क, नो चिकन, और सारा वेजिटेबल है। आई थिंक इसे मशरूम, इसे मशरूम, ओके। ये आ गई आपकी सुशी। सुशी डोंट हैव चिकन, दिस इज चिकन, फाइव। चिकन थ्री दिस टू दिस, चिकन थ्री टू चीज, दिस इज वेज वन, दिस चिकन रिमूव ओनली फाइव, वन दिस। थैंक यू। ये मैंने टीवी में बहुत देखी है जी, वीडियो बहुत देखी है यूट्यूब पे बनते हुए, ये कोरियन बॉल्स के ऊपर ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई मारने वाला हूँ, क्योंकि आया हुआ हूँ अब कोरिया, पता नहीं कब जाऊँगा। तो मैंने ये सोचा कि पांच पीस ये मैंने 35 बात के लिए हैं, अप्रॉक्सीमेट समझ के चलो 82-85 रुपीस बनते हैं, तो अभी इसको ट्राई करते हैं ये कोरियन कैसी है। ये जो कोरियन बॉल्स लिए थे मैंने, एक ट्राई किया चीज़ वाला, इसके अंदर चिकन, ऑक्टोपस, श्रिम, काफ़ी ऑप्शन होती है, मोस्टली कोरियन में सी फूड ज़्यादा खाते हैं, सी फूड की ऑप्शन ज़्यादा है, बट ये अच्छा है, फ्राइड है, मैदे के अंदर बना हुआ, अंदर चीज़ की फिलिंग दी हुई है, साथ में वेजिटेबल्स हैं, साथ में इन्होंने इसको फ्राई नहीं किया हुआ, एक तरीके का ग्रिल किया हुआ है, वो आपने वो चीज़ देखी, अच्छी लगी मेरे को। ये ऐसे बच्चों की हम जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को संभालना की ताकत रखते हैं।